देखिए हमारा कंसेप्ट ये है, अब हमारा मेन हेडिंग आ रहा है हाउ टू फाइंड स्टीरियो आइसोमर्स। तो सबसे पहले तो कंपाउंड को देखो और देख के ये पता लगाओ कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। सिमेट्रिकल देखने क्योंकि उसके अंदर अगर एक से ज़्यादा वो स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर कौन से हो सकते हैं, कायरल हो सकता है या फिर वो एल्कीन वाला हो सकता है, दोनों स्टीरियो सेंटर हैं। समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज? तो पहले आप सबसे पहले सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल देखो क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो सिमेट्रिकल पता चल जाएगा तो अनसिमेट्रिकल अपने आप हो जाएगा। जो कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं होते वो अनसिमेट्रिकल होते हैं, ऐसा मैंने कहा है। तो ये तीन रूल्स फॉलो करने, कॉर्नर पोजिशन आर सेम, यानी कॉर्नर के जो ग्रुप हैं वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और यहाँ पर जो G है तो ये भी G और ये G सेम होने चाहिए। पहली चीज, अगर ये G सेम नहीं है तो आप उसी वक्त बोल दोगे कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। पहला तरीका तो ये हो गया, लेकिन ये वाली पोजीशन सही हो गई तो फिर क्या करेंगे, दूसरा रूल लगाएंगे। चेक तो हमें लास्ट तक करना है, अगर पहली गलत हो गई तो अनसिमेट्रिकल, लेकिन ये सेम हो गई तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और कायरल एटम आर सेम फ्रॉम सेम नंबरिंग ऑफ बोथ द कॉर्नर। यदि आपने नंबरिंग इस तरफ से करना चालू किया, वन टू थ्री फोर, या इधर से करना चालू किया वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट, तो जो डबल बॉन्ड या कायरल की पोजीशन आ रही है, सपोज वन थ्री फाइव सेवन आ रही है, तो उधर से भी वन थ्री फाइव सेवन आए, अगर उधर से वन थ्री फोर सिक्स आ गया तो फिर सिमेट्रिकल नहीं है। समझ में आ गई बात? दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है, इफ साइक्लिक पार्ट प्रेजेंट इन बिटवीन चेन देन चेन कट हाफ इन टू इक्वल पार्ट, यानी चेन पूरी हाफ कटनी चाहिए। जैसे अगर ये है, क्या ये हाफ कट रही है? नहीं, एक तरफ दो हैं और एक तरफ एक है, तो ये अनसिमेट्रिक। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है, चेन नॉट हाफ कट इन, नॉट, क्योंकि हम तो हाँ यस सॉरी सिमेट्रिकल ही देख रहे हैं, तो हाफ कट होना चाहिए। पक्का? तो हाफ कट हो रही है क्या? नहीं, हाफ कट होने के लिए क्या होना चाहिए था? ऐसे होना चाहिए था, यानी इधर भी दो इस तरफ भी दो, अगर यहाँ पाई बॉन्ड है तो इधर भी पाई बॉन्ड हो, आ गया, तब सिमेट्रिसिटी जनरेट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अरे ये कुछ कुछ बात समझ में, तो ये हमारे लिए हाफ कटिंग हो गया। ऐसा नहीं हो एक तरफ पाई हो एक तरफ नहीं हो, तो फिर बिल्कुल हाफ कट नहीं हो रहा है। कोई डाउट? अगर ये यहाँ से जड़ के यहाँ आ गया तो क्या अब हाफ कट हो पा रही है? नहीं, तो इधर भी चेन है और इधर भी चेन है। तो ये तीनों रूल से हमें सिमेट्रिसिटी का पता चल जाएगा, और इनमें से अगर कोई भी रूल ब्रेक होता है, पहला या दूसरा या तीसरा, तो अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अगला पॉइंट यही होगा, इफ ब्रेक एनी पॉइंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड रूल देन कंपाउंड बिकम अनसिमेट्रिकल। तो ये तो हमने पता लगाया सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अब अगला पॉइंट, स्टीरियो सेंटर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ दो बातें आएगी, कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल है तो कुछ दिमाग ही नहीं करना, स्टीरियो सेंटर आपके पास मान लीजिए एन आर है, तो सिमेट्रिकल है तो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, सिर्फ स्टीरियो टू पावर एन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो, अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो आप क्या करोगे, तो आप देखोगे n इवन है तो आपके पास आइसोमर्स होंगे 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर n बाई टू, जिससे डिवाइड हो सके और फिर माइनस वन, और n ऑड है तो 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर n माइनस वन बाई टू। बहुत इजी कंसेप्ट से, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना,
आ रही है कुछ बातें समझ में? और गुरु मंत्र, इसके अलावा एक और गुरु मंत्र आपके काम करेगा। ये गुरु मंत्र आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा पूछे जाते हैं, वही पूछे जाते हैं, इतनी की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। और वो ये है कि अगर कोई साइकिल है, कोई सी भी हो, 3 की हो 5 की हो, इन गुरु मंत्र को पढ़ लेना, और डायरेक्ट आंसर देना सीख रहे हैं हम, और दोनों में एक सेम है, सेम ग्रुप लगा हुआ है, इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 3। समझ में आ रही है? 3 बस। और साइकिल कितने ही कार्बन की हो, समझ में आया? 5 6 7 8, 3 सिमेट्रिकल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दो कायरल हैं, इसके टोटल आइसोमर्स, या जी यहां पर, जी यहां पर, इसके जिसमें सिमेट्रिसिटी हो, दिख रहा है ना? तो एक कंपाउंड कम हो जाएगा, नहीं तो 2 की पावर कितने आते हैं? 2। 4 होने चाहिए थे लेकिन होंगे क्या? 3। कोई समझ में आ रही है बात? इसको और अच्छे लेवल पे अपन समझेंगे। समझ में आ रहा है लैंग्वेज? और अच्छे कैसे समझते हैं देखो, मान लीजिए एक कायरल है जो 120 प्लस रखता है, 120, ये भी 120, टोटल रोटेशन कितना हुआ? 240। तो बताओ कितना है? 240। पक्का दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं? 240। समझने की कोशिश करते हैं। अब -240, तो -240 और +240 दोनों अलग अलग कंपाउंड है या सेम है? अलग अलग है। तो दो आइसोमर तो यही हो गए, या तो यूं या यूं, ऐसे समझने आ रहा है। लेकिन अगर एक रोटेट करता है 120 प्लस और एक माइनस, और एक माइनस और प्लस, तो कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रही है लैंग्वेज? पक्का ये आपको दिमाग में अंदर तक बिठानी है। अब एक और चीज जो गुरु मंत्र में मैंने सिखा रहा हूं आपको, बहुत प्यारा गुरु मंत्र है, ध्यान से सुनना। अगर ये 120 रखता है प्लस का, क्या रख रहा है? 120, तो नीचे वाला प्लस का 120 रखेगा या माइनस का? माइनस का पकड़ के चलो, क्योंकि तभी तो ये पीओएस होगा। तो जो चीज ऊपर प्लस रखती है, सेम सिमिलरिटी में होती है, तो ये पता है कौन सा वाला केस हुआ? ये वाला ग्रुप सेम डायरेक्शन में, लेकिन केस ऐसा बन रहा है। समझ में आ रही है? तो ये और ये, अगर जी इस तरफ होता और जी इस तरफ होता, CH3 H H CH3, ऊपर वाला बताओ अपने आप क्या रखता? वो प्लस रखा है तो ये क्या रखेगा? माइनस। और नीचे वाला माइनस रख रहा है तो ये क्या रखेगा? प्लस। तो नेट दोनों ऑप्टिकली क्या होंगे? दोनों ऑप्टिकली क्या होंगे? इनएक्टिव। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, IUPAC नेमिंग देते वक्त बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो फटाफट पकड़ लेते हैं CHO OH CH3 OH CH3, और यहाँ पर COOH, एक सेकंड में पकड़ लेंगे वो। क्या पकड़ेंगे वो? ये एक मिनट, यहाँ पर भी CHO रखना पड़ेगा, सिमेट्री लानी है, ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर दिक्कत आई। ऊपर वाला आर है तो नीचे वाला आर हो ही नहीं सकता, नीचे वाला एस होगा, तो वो एक निकालेंगे कोई भी आंसर, ये ऐसे तो नीचे वाला क्या होगा? आर। अगर इसका IUPAC नेम देना चाह रहे हैं तो नंबरिंग कहाँ से कर रहे हो? सपोज 1 2 3 4, यही होगा, सही है? तो क्या हो जाएगा? नंबरिंग करो, कौन सा बड़ा ग्रुप है? नंबर 1 पे ये सबसे बड़ा, यही है CHO2, और फिर ये 3, तो 1 2 3 कैसा बन रहा है? बन एस रहा है, लेकिन आंसर क्या होगा? आर। तो 2 पे आर है, इसका नाम ऐसे ही होगा, 2R, 3S, निकाल ही नहीं रहे हो, तो इतने इंटेलिजेंट है निकाल ही नहीं रहे, जरूरत भी नहीं है। समझ में आ गई बात? बस यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अगर सिमिलर फंक्शन ग्रुप है तो वो पता है क्या कैसे रोटेट करेगा? ये प्लस में घुमाएगा और वो माइनस में,
कुछ कुछ समझ में आया मेरी बात? तो उनके पास कंसेप्ट्स हैं, किनके पास, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करते हैं, उनके पास कंसेप्ट है कि ये तीन आइसोमर रखेगा, सिमेट्री के रूल लग जाएगा। लेकिन अगर ये चीज ऐसे होती है और जी डैश होता तो आंसर क्या होता? फोर। फोर इसलिए है, मान लीजिए 120 है क्योंकि ग्रुप चेंज हो गया, तो अब ये माइनस में तो है लेकिन 120 नहीं, माइनस 130 या 140, तो आप कैसे भी कर लो जीरो तो नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे होगा, तो इसके आंसर क्या होंगे? मान लो ये 120 है और ये 130 है, तो आएगा या तो -10 या +10, या दोनों को ऐड कर लो या दोनों को सबट्रैक्ट कर लो। ऐसे आंसर आते हैं, तो चार आंसर होते हैं इसके, तो दिमाग ही नहीं लगाना। जब भी ये आता है ना, टोटल आइसोमर्स कितने हैं इसके, स्टीरियो कितने? चार। और इसके कितने हैं? तीन। इसके कितने? तीन पक्का। और अगर यहाँ जी डैश कर दिया, चार। बस आपकी इतनी ज़रूरत पड़ रही है, आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ गई लैंग्वेज? मैं आइसोमर्स में आ रहा हूँ, वापस कैलकुलेट करा रहा हूँ आपसे। तो आपने मेरे कंसेप्ट समझ लिए? या सुनो, कौन सा इसमें? एक तो ये हो गया, एक ये मान ले, ये जी और जी डैश उधर लगा दे, एक बार जी ऊपर, जी डैश इधर, एक बार जी इधर और जी डैश ऊपर, चारों आइसोमर्स। समझ में आ गई? देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलकुलेट टोटल आइसोमर्स ऑफ C5H10। C5H10 एक एल्कीन है, यानी DOU कितनी है? दो। एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डी एक है, तो ये इन हो सकती है या साइकिल हो सकती है, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आंसर निकालते वक्त या सॉल्यूशन जो भी आप बोल रहे हैं निकालते वक्त, आप सबसे पहला काम तो करें, पांच कार्बन की चेन बनाएं, बहुत इजीली चलें, 1 2 3 4 5, सही है, और डबल बॉन्ड एक, ऐसे बनाते जाएं, दो बस। क्या दो से ज़्यादा बनेंगे क्या इसमें? नहीं। अब चेन छोटी करें, चार कार्बन की कर दी, पक्का। अब इसके आइसोमर्स बनाएं, ऐसे हाथ चलने चाहिए आपके, पांच बन गए। अब इससे ज़्यादा चेन छोटी करने पर एल्कीन बन ही नहीं सकती, आप खुद सोचो, ये हो गए पांच कार्बन, क्या एल्कीन बना पाओगे आप? नहीं। अब इसके बाद साइकिल स्टार्ट करें, पांच की पहले, फिर चार की, फिर तीन की, तीन की कार्बन की ये हो गई, तरीके से चले। टोटल कितने बने? 10। ये स्ट्रक्चरल है, अब स्टीरियो काउंट करो, क्या इसका सिस और ट्रांस होगा? नहीं। तो ये एक ही रहेगा, ये दो रहेंगे, ये एक रहेगा, ये एक रहेगा, क्योंकि ये स्टीरियो नहीं बन पा रहा है। ये कितना रहेगा? एक, ये एक, ये एक, ये भी एक, ये भी एक, कायरल है ही नहीं। और ये देखते ही मेरे आंसर कितना है? तीन। तो टोटल आइसोमर्स कितने हैं? टोटल आइसोमर्स आपके पास कितने बने हैं? 13। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, सिर्फ स्ट्रक्चर, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, दो, क्योंकि इसमें एक मेजो भी होगा, सिर्फ दो ही ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। या सुनो, पक्का, बस कोई दिक्कत है? तो मैं आपको वापस बार बार बोल रहा हूं, मुझे ऐसी स्पीड चाहिए आपकी, इस तरह की, लिखें इसको। देखिए कुछ गुरु मंत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूं, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर ही पहले गुरु मंत्र हम पढ़ेंगे। गुरु मंत्र ये कहता है, बस पॉइंट वाइज फंडे लिखने हमें, कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है,
साइक्लिक कंपाउंड है, आ रही है बात समझ में? और यहां आपके पास सॉलिड 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 डैश या डैश डैश कोई सा भी कंडीशन हो, ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? नहीं होगा, बात दिमाग से समझना। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? सिस और ट्रांस। ये एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? सिस, दोनों एक तरफ और एक इस तरह से। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स तो होंगे लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर डाइस्टीरियोमर। मैंने आपको डाइस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन ये भी लिखाई थी कि जितने भी जीआई है वो भी डाइस्टीरियोमर्स में काउंट होते हैं, यस और नो? और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये भी एक दूसरे के जीआई या फिर डाइस्टीरियोमर्स कहलाएंगे, जबकि ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ना तो ये एक दूसरे के जी आई है, ना ये एक दूसरे के ओ आई है। तो इस कंडीशन में ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल कंपाउंड। ना तो ये जी आई है ना ओ आई है, और जब जी आई ओ आई नहीं है और एस आई यानी स्ट्रक्चर आइसोमर्स तो है ही नहीं, तो आइडेंटिकल। जी आई नहीं है, दोनों एक तरफ है, ओ आई नहीं है, जी आई क्यों नहीं है? सेम साइड। ओ आई क्यों नहीं है? पी ओ एस कायरल के सेंटर, तो बात की बात है, पी ओ एस आ गया, हम वहीं सोच लेते हैं। और एस आई क्यों नहीं है? सेम पोजीशन, सेम नेमिंग, सेम आई यू पी एस सी नेमिंग। तो ये एक दूसरे के आप बचे क्या? आइडेंटिकल, पक्का। तो इससे एक और पता चलता है कि इस पोजीशन के सिर्फ दो ही आइसोमर्स बनेंगे, स्टीरियो, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, एक सिस और एक ट्रांस। तो अगर आपके पास ऐसा कोई दे दिया जाए तो हैविंग, यहां लिखेंगे हैविंग ओनली टू आइसोमर्स, और वो दोनों एक दूसरे के सिर्फ क्या बनेंगे? डाइस्टीरियोमर्स या एनाइसोमर्स पॉसिबल ही नहीं है, ओनली डाइस्टीरियोमर। सिर्फ दो आइसोमर्स बनेंगे, ओनली डाइस्टीरियोमर्स, यानी ओनली डाइस्टीरियोमर्स ब्रैकेट में जीआई। तो ये एक गुरु मंत्र हो गया, आप अच्छे से लिख लीजिए तरीके से। आपसे यही एग्जाम्पल पूछे जाएंगे जो मैं बना रहा हूं। ये भाई, ये दोनों एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए या दोनों में से अपोजिट डायरेक्शन में हो गए? एक सिस होगा और एक ट्रांस। ओ आई तो शो नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा? करेगा तो ये जी आई, हाँ या ना? बस आपको यही समझाना है, यही समझना है। इससे हाई लेवल अभी अपन को एकदम से नहीं टच करना है, पहले ये तरीके से कर लो। एक और गुरु मंत्र हटा दूं मैं, दूसरा गुरु मंत्र आपका फिर इंतजार कर रहा है कि ये इस तरह से होते हैं। तो इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं? तब इसके तीन आइसोमर्स बनते हैं, देखते हैं कौन से। एक ही होता, एक ही हो रहा, एक ही हो रहा है, और एक मेरे पास ये होता है।
और ये बात समझ में। तो दोस्तों यहां आपके लिए जो गुरु मंत्र है वो बहुत अच्छा है। अगर ऊपर वाला सॉलिड है और नीचे वाला भी सॉलिड है तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, दोनों या तो आर होंगे या दोनों एस होंगे। आ रही है बात समझ में? और क्योंकि या तो दोनों आर, नहीं सॉरी, ऊपर वाला सॉलिड है और नीचे वाला सॉलिड है, तो ऊपर वाला आर होगा तो नीचे वाला एस होगा। ध्यान से पढ़ लीजिए, लिख लीजिएगा, ऊपर वाला आर होगा तो नीचे वाला क्या होगा? एस। या ऊपर वाला डी होगा तो नीचे वाला एल। आप डी और एल लिखने की कोशिश करें अभी, तो ऊपर वाला डी और नीचे वाला क्या हो जाएगा? एल। सही है दोनों। और यहां पर अगर ये डी मान लिया अपन ने, तो ये इस जगह ये भी डी होगा, और अगर ये एल है ऊपर वाला डैश वाला, तो ये भी एल है, और यहां पर एल है, और ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये बात तय है। और इसके अंदर क्या दिख रहा है? दिख रहा है आपको पीओएस दिख रहा है ना? क्या इसमें पीओएस दिख रहा है? नहीं, नो पीओएस। पीओएस लिख के आप इस तरह से काट दें। क्या इसमें पीओएस दिख रहा है? नहीं, काट दीजिए। क्या इसमें पीओएस दिख रहा है? हाँ, ये वाला। ये कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में अंदर तक बैठे हुए होने चाहिए। अब ये एक दूसरे के क्या है? इन दोनों की बात करते हैं, ये एक दूसरे के क्या है? जल्दी से बोलो। आइडेंटिकल, दोनों ही ऑप्टिकली अपने आप में क्या है? इनएक्टिव भी है। आइडेंटिकल है, इनएक्टिव भी है। अब बात करते हैं इन दोनों की। ये डी डी है और वो एल एल है 100%। अब ये एक दूसरे के क्या है? एनेंशियोमर्स। पीओएस भी नहीं है, एनेंशियोमर्स है। बिल्कुल, ये एक दूसरे के क्या है? एनेंशियोमर्स। पक्का? और एक और पॉइंट, ये एक दूसरे के क्या है? ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। पक्का? लेकिन एक इनएक्टिव है, एक एक्टिव है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लेने की कोशिश करूंगा? डायस्टेरियोमर्स। मैं इसलिए डायस्टेरियोमर्स बोल रहा हूं क्योंकि एक सेस है और एक ट्रांस है, तो ये एक दूसरे के जीआई भी हैं या फिर डायस्टेरियोमर्स भी हैं। जीआई भी हैं और डायस्टेरियोमर्स भी हैं। तो ये इसके साथ क्या रह गए? वही सेम डाइस्टेरियोमर्स। ये इसके साथ क्या रहेगा? डाइस्टेरियोमर्स। ये इसके साथ क्या रहेगा? डाइस्टेरियोमर। और या फिर जीआई बोल सकते हो आप। तो आपने ये बात पकड़ ली? पक्का? तो ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं, तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? तीन। इस तरह के कनेक्शन में हमेशा टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? तीन। एक दो तीन, ये तो इसका आइडेंटिकल है। तो आपसे अगर पूछा जाए टोटल आइसोमर्स कितने हैं, टोटल आइसोमर्स, तो आंसर कितना होगा? थ्री। इन विच टू ऑप्टिकल एक्टिव, एंड वन ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव, और जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है वो क्या है? मेजो। वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा और वो क्या होगा? मेजो। समझ में आ रही है लैंग्वेज? पक्का? मुझे किसी ने कहा आप ये प्रूव करिए ये एक दूसरे के एनाइशोमर्स हैं, मतलब मैंने इनके नाम दे दिए। इसका नाम मैंने दिया, बहुत प्यारा सा नाम रखना चाह रहा हूं, ए बी
सी डी। और मैं प्रूव करना चाह रहा हूं अपने लैंग्वेज में इस जगह कि क्या प्रूव करना चाह रहा हूं, बी एंड सी आर एनाइशोमर्स। एनेंशियोमर्स हमें प्रूव करना है। तो पहले मैं बी और सी को देख लूं किस तरह का दिख रहा है। बी बी मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है और इस तरह का दिखाई दे रहा है, सही है। सी को मैं प्रूव करने के लिए पूरा रोटेट करना चाहता हूं 180 डिग्री पे। और जब भी हम किसी चीज को 180 डिग्री पे करते हैं तो डैश क्या हो जाता है, सॉलिड, और सॉलिड क्या हो जाता है, डैश। ये मेरे लिए बी है और ये मेरे लिए सी है, समझ में आ रही है बात। तो बताइए ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स। प्रूव हो गया, मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज है। तो ये मिरर इमेज जो आपके पास आ रहा है ये आपके लिए एनेंशियोमर्स को प्रूव कर रहा है, कोई डाउट। प्रूव कीजिए कि बी और सी, ए और बी एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं, कर सकते हैं आप। इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो सॉलिड सॉलिड मिरर है और डैश सॉलिड, एक डैश हो जाएगा, सॉलिड डैश जो है वो मिरर नहीं है। तो आधा मिरर है आधा मिरर नहीं है, आ गई बात समझ में पक्का अच्छे से। तो ये सेकेंड गुरु मंत्र हमारे लिए लग गया। थर्ड गुरु मंत्र अच्छे से लिख लिया ये। तो थर्ड गुरु मंत्र में कुछ और नहीं ले रहा, मैं इतना मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास ये सॉलिड है, इसके भी कितने आइसोमर्स बनेंगे बता सकते हो, वही तीन, सेम एक दो तीन चार बनाओगे, एक आइडेंटिकल बन जाएगा तो तीन पक्का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी इस वाली पोजीशन पे पीओएस है, आ रही है बात समझ में। तो कब दो बनते हैं, ये यहां है बस, तब दो आइसोमर्स है, बाकी ये यहां जाए तो तीन, यहां जाए तो तीन। कोई समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कब दो लेना है कब तीन लेना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बस खत्म बात। ऑर्थो भाई आप ये कह रहे हो इन दोनों पे बात एक ही हो गई ना, वो इसमें भी क्या होंगे, तीन होंगे, सिर्फ आमने सामने को छोड़ के बाकी सब जगह तीन होंगे। कुछ समझ में आ रहा है, तो गुरु मंत्र आपने दूसरा भी कर लिया आपने बहुत अच्छे से। हटा दूं मैं ये, अब एक और पॉइंट आपके पास यहां पर क्लियर रखना है कि जरूरी नहीं है ये चेन छह कार्बन की हो, तो फिर कैसे सोचेंगे। चलो तो अभी जो रिजल्ट निकला है ना वो मैं आपको बता देता हूं। अभी जो रिजल्ट निकला है थर्ड पॉइंट में, बताइए इसके कितने आइसोमर्स होंगे, तीन तीन तीन, दो दो तीन, खत्म, आ गई बात समझ में। और एक और, यदि ये चार कार्बन की होती, जरूरी नहीं है छह की हो,
इसके कितने होंगे? दो, सेम आमने सामने आते दो। तीन, पक्का? अगर ये पांच कार्बन की होती, अब आप आमने सामने तो कैसे लाओगे? क्या ये आमने सामने, क्या ये आमने सामने है? इसके बीच में एक गैप है, इसमें दो गैप है, आमने सामने इसमें आ ही नहीं पा रही है। कुछ समझ में आया? क्या इसमें आमने सामने ला सकते हो कभी? नहीं। तो क्या आंसर आएगा इसका? दो, तीन। समझ में आ गई लैंग्वेज मेरी? तो ये आपके लिए बहुत अच्छा गुरु मंत्र हो गया आपको समझने के लिए कि कब आपको तीन आइसोमर्स लिखना है, कब आपको दो लिखना है। डायरेक्ट सोचना है आपको, टाइम नहीं चाहिए मुझे। लिखें इसको, फोर्थ नंबर का गुरु मंत्र। अगर आपके पास ऐसा हो रहा है कि दोनों जो ग्रुप हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब एक तरफ मेरे पास ये है, एक तरफ ये है, तो इसमें पीओएस होगा। इसके हमेशा दो आइसोमर्स ही होंगे, भले ही ग्रुप सेम हो या ना हो, क्योंकि हमेशा ये वाली चीज सेम आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपके लिए इसके दो ही होंगे। लेकिन अगर ये चीज ऐसे होती है तो आंसर क्या जाएगा? चार, क्योंकि इसमें पीओएस आएगा ही नहीं। समझ में आ रही है लैंग्वेज? पक्का? तो इसका हमेशा चार आएगा आंसर। कभी भी पीओएस नहीं आएगा इसमें, भले दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे हो। समझ में आ रही है? एनाइसोमर्स डाइस्टेरोमर्स बन सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? समझ में आ रही है बात? तो अब आगे अभी ऑप्शंस और हैं। अगर ये पांच कार्बन की है तो क्या आंसर आएगा इसका, बता सकते हैं? चार। सोचो ही मत इस जगह। यहां आपके पास इस तरह का पीओएस बन सकता है, दो। एक मिनट, एक और बना लेते हैं अपन। इसका आंसर क्या आएगा? दो। इसका आंसर क्या आएगा? ये भी दो आएगा। अब चार, अब चार, इसमें तो पैदाइशी चार ही होगा। समझ में आ रहा है? किसी एक को लेकर हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, चारों कौन से होंगे? दोनों आगे, दोनों पीछे, एक आगे एक पीछे, एक पीछे एक आगे, चारों एक दूसरे के साथ अलग अलग एंगल रखेंगे। या तो कोई दो पेयर एक दूसरे के एनाइसोमर्स होंगे या फिर डायस्टेरोमर्स। आगे आगे और आगे पीछे वाले हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? एनाइसोमर्स। दोनों फ्रंट और ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? एनाइसोमर्स नहीं, डायस्टेरोमर्स। ये और ये डायस्टेरोमर्स, ये पीछे दोनों और डायस्टेरोमर्स, पक्का? ये और ये एनाइसोमर्स, इसमें ये और ये एनाइसोमर्स, इस वाले केस में, पक्का? अच्छे समझ में आ गया ना? तो जल्दी से बताओ, ये और ये क्या कहलाएंगे इसमें? एनाइसोमर्स। ये और ये क्या कहलाएंगे? ये और ये क्या कहलाएंगे? डायस्टेरोमर्स। पीछे और ये, बस खत्म। तो ये फंडे आपके बहुत तेज काम करने चाहिए, मुझे बहुत तेज स्पीड चाहिए आंसर निकालते वक्त। कोई डाउट नहीं है? श्योर? ओके, ठीक है।
आ गई बात समझ में? वेरी गुड। एक और फंडा आपका इंतजार कर रहा है, हटा दूं मैं? ये सारे गुरु मंत्र जितनी जल्दी आपके दिमाग में आते हैं ना, आपका आंसर उतना ही अच्छा हो जाता है। अब आप क्या करेंगे आगे? फॉर एग्जाम्पल इसको भी देख लेते हैं। यहां पर सी एच ओ सी डबल ओ एच एच ओ एच ओ एच एच, सोचिएगा क्या इसमें पी ओ एस आएगा? क्या नहीं? क्यों नहीं आएगा? दोनों ग्रुप सेम नहीं है, नहीं है। इसके आंसर हमेशा क्या होंगे? फोर। इसके आइसोमर्स कितने होंगे? देखते ही फोर। ये वही केस हो गया नॉन सिमेट्रिकल वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, ओ एच ओ एच 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 सी एच ओ सी एच ओ, इसके कितने आइसोमर्स होंगे? दो या तीन? इसके आंसर होंगे हमेशा तीन, जिसमें दो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे एनेंशियोमर्स और एक इनएक्टिव होगा मेजो। टू ऑप्टिकल एक्टिव एंड वन इनएक्टिव यानी मेजो, जबकि इसके अंदर ऑल फोर आर ऑप्टिकल एक्टिव। सही है। तो अब आप मेरे को प्रैक्टिस के लिए बताएं, इसके कितने आइसोमर्स होंगे? जीरो, जीरो। सिमेट्री यार, कहीं कुछ सोच ही नहीं सकते। पक्का? ना तो ये कायरल है ना कोई ऐसी पोजीशन है, सिस ट्रांस तो शो ही नहीं कर सकते ये। पक्का? अच्छे समझ में आ गया? तो कितना आंसर आएगा? जीरो। कितने आइसोमर्स होंगे? तीन। पक्का? कितने आइसोमर्स होंगे? चार। ये अलग कायरल है, ये अलग कलर कायरल है, और पीओएस कभी आ ही नहीं सकता इसमें। समझ में आ रहा है? कितने आइसोमर्स होंगे बेटा इसके? चार, क्योंकि कभी भी पीओएस नहीं आएगा इसमें। पीओएस आ गया तो दो कंपाउंड अपने आप में इनएक्टिव होके आइडेंटिकल बन जाएंगे, तो चार की जगह आंसर क्या जाएगा? तीन। तो पकड़ना सीखो आप जितनी जल्दी से सीख सकते हो। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छे से कंसेप्ट बनाते जाओ फास्ट। देखिए कितने कायरल है इसमें? एक दो तीन, तीन कायरल है। पक्का? कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल, क्योंकि आप इधर से जाओगे या इधर से जाओगे नंबरिंग सेम आएगी, बीच में कोई रिंग है ही नहीं तो सोचना ही नहीं है। पक्का? तो इसके जो एक्टिव एक्टिव आइसोमर्स हैं वो कितने होंगे? टू की पावर एन माइनस वन, क्योंकि सिमेट्रिकल में हम यही रखते हैं, तो टू की पावर एन ऑप्टिक मतलब कायरल कितने हैं इसके अंदर? तीन। तो तीन माइनस दो यानी कि दो आंसर ऑप्टिकल एक्टिव इसके चार होंगे। और इनएक्टिव कैसे निकालेंगे?
टू की पावर एन माइनस वन बाय टू, क्योंकि ऑड नंबर है। थ्री माइनस वन कितना हुआ, टू, टू की पावर क्या आएगा यहां पर वन यानी टू। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, इनएक्टिव का मतलब मेजो, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, सिक्स। आ गई बात समझ में, हम तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं इसको, आप समझ लीजिएगा। इस वाले केस के अंदर एक्टिव कितने होंगे, टू की पावर एन माइनस वन, क्योंकि आपके पास कायरल कौन है, एक दो तीन चार, क्या ये चार कायरल हैं या नहीं है पहले तो देख लो। हाँ है, बोलो यस और नो। फोर माइनस वन टू पावर थ्री एट, इज दैट क्लियर, इनएक्टिव। टू पावर एन बाई टू माइनस वन, क्योंकि इवन है तो फोर बाई टू टू, टोटल टेन। कुछ समझ में आया, तो ये हमारे पास बहुत बेसिक फंडे हो गए जो आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। लिखें इन सबको, ये कुछ एक एग्जाम्पल है जिसको आपको पकड़ना है, स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं। आ रही है बात समझ में, तो हम कैसे देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ऑल दिस फॉलोइंग कंपाउंड्स वन बाय वन। तो करें स्टार्ट, सबसे पहला फर्स्ट वाला आंसर, तो ये कायरल है और ये भी कायरल है और कोई पीओएस नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर, तो टू पावर सिमेट्रिसिटी है नहीं, तो टू पावर टू कितना आंसर आएगा, फोर, इसका आंसर होगा फोर। यहां मुझे ये कायरलिटी दिख रही है, कायरलिटी नहीं दिख रही, स्टीरियो सेंटर तो दिख रहा है और एक ये भी दिख रहा है और कोई सिमेट्रिसिटी नहीं है मॉलिक्यूल में, तो टू पावर कितना लिखूंगा मैं, टू, और टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, फोर। समझ में आ रही है बात, चलिए नेक्स्ट। मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, तो टू पावर वन टू, ये एक तरह से क्यूमुलिन वाला एग्जाम्पल हो गया जिसमें एक ही सेंटर होता है, तो टू पावर वन अगेन आंसर टू। ये कंपाउंड है, आपको मालूम है नॉन प्लेनर होने की तरह वजह से ये हमारे को एक सेंटर मिल जाता है पक्का, और हमारे पास यहाँ पर भी आंसर एक ही सेंटर है, टू पावर वन, यानी हमारे आंसर क्या होगा, टू। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ देखते हैं ये, हाँ परपेंडिकुलर ही होता है, बिल्कुल सही है, अब वो पीओएस नहीं मिलेगा, तो या तो दोनों एक तरफ होंगे या दोनों अलग तरह से हो जाते हैं, मतलब कुल मिला के ऐसे हो सकते हैं। पोजिशंस, अब आगे कोई और पॉइंट आपको समझना है, नहीं, ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बिल्कुल सही है, कितना होता है, सिक्सटीन। ये कायरल नहीं है, ये क्यूमुलिन है बेटा, एक दो कंटिन्यू आ गई ना, दो डबल बॉन्ड, तो बस हाँ, अरे एक दो तीन दिख रहा है ना, सिमेट्री है या नहीं है, देखो इसके ऊपर जो दोनों वैलेंसी अटैच हो रही है, एक तरफ एच और एक तरफ ये, एक तरफ क्या जुड़ रहा है इसमें, ये पूरा ग्रुप और एक तरफ एच, तो ये भी एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, कायरल सेंटर जनरेट हो गया, क्यूमुलिन, बिल्कुल। अगर ये नहीं होते तो क्या ये नहीं शो करती, करती है ना,
तो कितना हो गया, 2 की पावर 4, यानी आंसर क्या जाएगा इसमें, 16। यहां देखो एक ये, दो तीन चार पांच, पांचों कायरल सेंटर है, 2 पावर 5, 32। यहां देखो एक ये वाला, दो तीन, आ रही है बात समझ में, 2 पावर 3, 8। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमारे को। यहां देख लो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैंने पहले भी बताया था, दो एक्टिव होंगे और एक मेजो रहेगा, सिमेट्रिसिटी होने की वजह से। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 2 पावर 2 माइनस 1 एंड 2 पावर इवन है, तो आप जानते हो कैसे निकालना है अपन को, 2 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1। सही है, तो ये मेरा आंसर तो रटा हुआ है। यहां चारों ही एक्टिव होंगे और मेजो 0, पीओएस होगा ही नहीं इसमें। यहां आंसर सिर्फ 2 और दोनों ही इनएक्टिव होंगे, सिस और ट्रांस डाइस्टेरियोमर्स होंगे। आ रही है बात समझ में, 2 पावर 2, 4। एक कायरल ये होगा और एक ये होगा और एक ये भी होगा। देखिए यहां होगा तो 2 पावर 1, 2, 3, 8, बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। ये कायरल होगा, ये होगा, ये होगा, क्या ये अलग अलग होंगे? हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं इसमें। आप पहले ऐसे काटते थे लेकिन इस तरफ क्या है, बी आर है और इस तरफ अलग ग्रुप है, तो 2 पावर 3, 8 पक्का इसमें पीओएस है। दो कायरल है लेकिन पीओएस है, तो आंसर एक्टिव कितने होंगे, 2, और मेजो कितने होंगे, 1। वही केस बन जाएगा जो सबसे ऊपर था। ग्लूकोस का फॉर्मूला मालूम है आपको, C6H12O6। तो यहाँ आपको ग्लूकोस का फॉर्मूला मालूम है, ये बात अलग है, लेकिन क्या आपको उसका ये मालूम है उसमें कितने स्टीरियो सेंटर होते हैं, 5। देखिए CHO, CH OH, CHOH, 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 CH2OH, चार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कायरल कितने हैं पहले ये देखो, 5 है या 4 है, 4 है बिल्कुल। यहां पर जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपन तो कायरल सेंटर निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या ये कायरल है, 1, 2, 3, 4, आ रही है बात समझ में? तो टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, सारे आइसोमर्स एक दूसरे ग्लूकोज ही कहलाएंगे, लेकिन आइस कितने बनेंगे, 2 पावर 4, 16। कुछ समझ में आई बात, 1, 2, 3, 4, 2 पावर 4 हो गए, चार ही तो कायरल है। क्या ये भी कायरल है क्या, नीचे वाला नहीं है क्या, CHO वाला कायरल है, नहीं, वो तो वैसे ही sp2 हाइब्रिडाइज है, तो नहीं होगा। तो आपने 16 में से कितने सही करे, करिए इसको,